नमस्कार, मैं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। हल्द्वानी के नवाबी रोड की त्रिपुरांचल कॉलोनी में जियो द्वारा सीमेंटेड गलियों को तोड़कर पोल लगाए जा रहे हैं, जबकि यहां पहले से ही BSNL के पोल मौजूद हैं और ये गलियां 11 से 12 फीट ही चौड़ी हैं। क्या इनके पास नगर पालिका का परमिशन है, और अगर है तो क्या बिना वेरिफिकेशन के ये परमिशन दी गई? आइए, पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद हल्द्वानी से प्रभारी विनीत पांडे। विनीत, जैसा कि हमें पता चला है, आज हल्द्वानी के नवाबी रोड की त्रिपुरांचल कॉलोनी में जियो द्वारा जो सीमेंटेड गलियां तोड़कर पोल लगाए जा रहे हैं, जबकि वहां पर BSNL के पहले से ही पोल है, तो क्या ये परमिशन इन कर्मचारियों के पास है? हेलो जी, जी जी सर, मैंने उनसे बात करी, मैंने उनकी परमिशन देखी, उन्होंने मेरे को फोन में दिखाई परमिशन जो नगर पालिका द्वारा उनको दी गई है। मेरे उनके हार्ड कॉपी मांगने पर उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला हम ये परमिशन आपको नहीं दे सकते हैं, आपको चाहिए तो आप स्वयं जाके वहां से लेके आइए। विनीत, हम जानना चाहेंगे कि जो परमिशन दी गई है, क्या परमिशन देने से पहले नगर पालिका ने इन गलियों का वेरिफिकेशन करा, इन गलियों की का भ्रमण किया और यहाँ पे ये चेक किया उन्होंने कि ऑलरेडी BSNL के पोल लगे हुए हैं, तो दोबारा से खुदाई करके नए पोल लगाने की जरूरत क्या है? पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है? जी, मेरे को ऐसा लगता है कि नगर पालिका द्वारा कोई भी साइट देखी नहीं गई, कोई भी गलियां देखी नहीं गई, क्योंकि अगर ये गलियां देखी जाती तो शायद जो गलती आज हो रही है वो गलती शायद अभी नहीं हो पाती, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि बारिश का मौसम है, दूसरी बात कि ये 11 से 12 फीट की गलियां हैं, यहाँ ऑलरेडी BSNL के पोल लगे हुए हैं जो खाली हैं, और अगर ये आपसी समाजस बैठाते तो हो सकता था कि इनको नए पोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती और उसी पोल से लाइन आ जाती। जिस तरह से विनीत आपने बताया कि बरसात का मौसम है, एक तो तंग गली, जर्जर गली और ऊपर से कीचड़ की मार, जनता परेशान होगी या नहीं? जी जी सर, बिल्कुल जनता परेशान होगी, क्योंकि जो मैं वहाँ पे देख रहा था साइड में, वहाँ करीब करीब ढाई बाई ढाई का उन्होंने गड्ढा लगभग खोदा हुआ है, और वो गड्ढा ठीक नालियों के बगल में खोदा हुआ है जी, और अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी वहाँ भरेगा, क्योंकि जो ये एरिया है यहाँ पहले से ही पानी काफी ज्यादा जमा होता है और हाँ गहराई में है, और बारिश के समय में ऐसा कार्य करना तो अनुचित ही है। जी, आपने इस बाबत में JEE से बात करने की कोशिश करी? जी 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 सर, मैंने JEE है श्री नवल जी जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं नगर पालिका की तरफ से, मैंने उनसे बात करी, उनकी तरफ से कोई ऐसा खास रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने जो जवाब दिया ये दिया कि मेरे आने से पहले ही ये परमिशन दे उन्होंने नगर आयुक्त साहब ने उनको शायद दी हुई है, और आज तो संडे है और लॉकडाउन है, तो आज तो हमारा आना संभव नहीं है साइट पे, तो हम फिर कल इस विषय पे देखेंगे, आप चाहे तो काम बंद कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला, दो टूक जवाब दिया। जी, इसका मतलब है विनीत कि कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी है। जी जी जी, जी सर, कहीं ना कहीं प्रशासन की, कर्मचारी की, और ये बहुत बड़ी अनदेखी है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो जो तंग गलियां हैं वहां पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और तंग गलियों में वायर तार वैसे ही बहुत ज्यादा लटकी रहती है, ऊपर से फिर एक नया पोल और एक नई तार। जी बिल्कुल, पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। आप इस खबर के साथ बने रहिए, हम जल्दी ही आप JEE से इनकी इन्फॉर्मेशन लेके, नगर पालिका से इन्फॉर्मेशन लेके, आप इसको इस खबर के साथ बनी रहिए, हम आपके साथ बहुत जल्दी दोबारा से फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद विनीत जी। जी जी, धन्यवाद।